नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। खबर सहीबाबाद से है, जहां हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूपेंद्र चौधरी की जन्मदिन पार्टी में समर्थकों के सरेआम हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच जारी है, वीडियो सही मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वाराणसी में भी गंगा का विकराल रूप अब चारों ओर देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से रामनगर का किला भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। इस बात को लेकर पर्यटकों में मायूसी देखी जा रही है। बनारस में गंगा का रौद्रूप जो है वो अब चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं रामनगर पुल पर। आपको बता दें कि लंका से रामनगर को यह पुल जोड़ने का काम करता है। अहम बात यह है कि मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि देखिए यहाँ पर रामनगर किला है, जो कि राजा नरेश का रामनगर किला है, जो कि पर्यटक यहाँ आते हैं और इस किलों को घूमने के लिए आते हैं। वो जो गुंबज आप देख रहे हैं लाल कलर का, वहीं से पर्यटक जो है गंगा का दीदार करते हैं, वहीं से गंगा का दर्शन करते हैं। उसके बाद इन दिनों सुरक्षा को देख करके पर्यटक पर रोक लगा दी गई है और कोई भी पर्यटक आ नहीं रहे, किला एकदम सूना पड़ा हुआ है। वहीं हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये जो टावर है, ये आम दिनों में अमूमन देखा जाए तो ये लगभग 30 से 35 फुट नीचे दिखाई देता है इसका पिलर, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो पिलर है 1.5 से 2 फुट दिखाई दे रहा है, जो वो आम दिनों में अमूमन इसको 30 से 35 फुट तक देखा जाता है। तो गंगा कहीं ना कहीं माँ गंगा ने अपना विकराल रूप ले लिया है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर इस वक्त जो पैटर्न क्या हो या कुछ हो, सबके ऊपर जो माथे पर वो सिकन है, कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ देखने को मिल रही है। और बात की जाए अगर तो प्रशासन पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीम को लेकर के और जल पुलिस को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों की सुरक्षा की जो जितनी भी सुरक्षा की जाए वो मुहैया कराने में जुटी हुई है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर किसान आज भी बकाया भुगतान को लेकर पीड़ित हैं। इस क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री से किसानों की समस्या समझते हुए जल्द भुगतान कराने की अपील भी की है। ये जब से फैक्ट्री चली है तब से आज तक जिस सीजन में फैक्ट्री चली है उस सीजन का पैसा अगले सीजन में किसानों को मिला है। अनुरोध यही है कि 29 नवंबर को फैक्ट्री चली है और 22 दिसंबर तक ये पैसा दिए हैं। इस वर्ष पिछला जो बीता है 22 दिसंबर तक, आज तक पैसा नहीं मिला। सूखा पड़ा हुआ है, किसान परेशान है, एक एक बोरी खाद के लिए किसान परेशान है और फैक्ट्री पेमेंट नहीं दे रही है। बिल्कुल जबरदस्त बेईमानी पे उतारी वो फैक्ट्री और इस क्षेत्र का गन्ना दूसरे फैक्ट्री को दे दिया जाए। ये मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि इस पे जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र में आक्रोश है इस बात को लेकर। देवरिया जनपद के थाना बगौच घाट में एक अभियुक्त के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि एक अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही की गई। वहीं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्यवाही के समय एसडीएम क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 28/8/22 को गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कयामुद्दीन, जो शराब तस्करी में लिप्त रहा है, के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत थाना बगौजघाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोतीपुर स्थित भवन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 32,31,000 रुपए की है, की कुर्की की कार्रवाई की गई है। बैनपुरी कोतवाली के किशनी रोड पर भवन चौराहे के पास तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने परिवार को सांत्वना दिया।
कोतवाली थाना अंतर्गत किसनी रोड पर तालाब में नहाते समय तीन नाबालिग बच्चियों की डेथ हो गई, जिनकी उम्र 10 वर्ष के आसपास या उससे कम है, बंजारे में है और उनको बचाने की कोशिश की गई लेकिन तालाब में तीनों ही डूब गई। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गांव धीमर खेड़ी में रात घर की छत पर सो रहे एक शख्स की गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर बिजनौर के धौकलपुर से है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने महिला को उसके ससुराल में प्रवेश दिलाने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई, साथ ही बंद दरवाजा तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलाने के बाद घर में महिला को प्रवेश मिल सका। साथ ही महिला की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। हल्दौर के ग्राम हरिनगर में एक विवाहिता महिला का अपने ससुराली जनों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में महिला ने ससुराली जनों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का अभियोग पंजीकृत कराया थाना हल्दौर पर, उसमें कार्रवाई की गई। ससुराली जनों ने उस महिला को घर से निकाल दिया था, जिसके विरुद्ध वह महिला माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर उस महिला को ससुराल के घर में प्रवेश दिलाया गया। खबर गोंडा से है, जहां कजरी तीज को लेकर सरयू तट पर लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि 10 लाख की संख्या में कांवड़िए सरयू तट पर स्नान कर भोले शंकर का जलाभिषेक करेंगे। वहीं बीते 2 वर्षों से कोविड नियमों के कारण कजरी तीज पर्व नहीं मनाया गया था। वहीं सरयू तट पर सुरक्षा निगरानी कैंप में भी प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सरयू घाट पे यहाँ 2 साल कोरोना काल के हो जाते हैं, बोलबम कजरी तीर नहीं मनाया जा रहा था। आज 2 साल के बाद बोलबम कजरी तीर मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ लाखों से श्रद्धालु स्नान करके और फिर जल भर के दुखरन नाथ, पृथ्वीनाथ, महादेवा कई शिवालय पर जल अभिषेक करेंगे। बड़ी ही उत्साह से यहाँ बोलबम के लिए उत्साह कर रहे हैं। आप कैमरा में कहेंगे देख सकते हैं आप तस्वीर यहाँ पे कितने लाख कितने उत्साह से लोग यहाँ जल भर रहे हैं और फिर यहाँ से पैदल जननाथ दुखरन नाथ कई शिवालों पर जल अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर पैदल चलेंगे। इस वक्त हमारे पास खुद करेंगे, भैया आप बोलबम जा रहे हैं, आपको कितना उत्साह है, कैसे क्या है जा रहे हैं, 2 साल बाद बोलबम हो रहा है, आपको कितना उत्साह है और किस प्रतिबल ले जा रहे हैं आप, जा रहे हैं आप कहाँ जल अभिषेक करेंगे, हमारे साथ कौन से बात करेंगे और कितना क्या नाम, भैया दादा आपका क्या नाम है, आप 2 साल के बाद बोलबम जा रहे हैं, आप कितना उत्साह है, कितने क्या जल अभिषेक करेंगे, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बाबागंज थाने से। कहाँ जाएंगे जल लेके? पृथ्वीनाथ। आपको कितना उत्साह, 2 साल बाद आपको बोलबम जाना पड़ रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ से, इनसे जान लेंगे कि इनके ऊपर कितना उत्साह है, 2 साल के बाद बोलबम हो रहा है और कितने भी उत्साह के पैदल जाएंगे, कहाँ जल से करेंगे, कहाँ से आए? भैया आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? श्रीराम सोनन कुट्टी। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे जल लेके? पृथ्वीनाथ। आपको कितना उत्साह है, कितने 2 साल बाद हो रहा है? बड़ा उत्साह है जाने के लिए। गोंडा से प्राइम टीवी अनिल कुमार गोस्वामी। खबर औरैया के विधुना तहसील क्षेत्र से है, जहां पूर्व विधायक के गेस्ट हाउस में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश और देश की जनता बीजेपी को उखाड़ने का मन बना चुकी है। और उस बच्चे को झूठ खा लिया, उसकी जान चली गई, कौन दोषी है आपका? ये सरकार के लोग जा जाकर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? न दवाई है, न इलाज है, और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली है, तब जा करके ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई, पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योजनाएं समाप्त हो गई और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग GST के बहाने दूध दही को टैक्स लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।